प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली थी। अब मंत्रियों के जो है विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया। अब आपने इस दौरान ये भी सुना होगा कि फलाने मंत्री को फलाना मंत्रालय सौंपा गया, कोई कैबिनेट मंत्री बना, कोई कुछ बना। तो आखिर इन सब में क्या अंतर होता है, कैबिनेट मंत्री को क्या सुविधाएं मिलती है, उसकी कितनी सैलरी होती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर इनमें क्या अंतर होता है कैबिनेट मंत्री और उसके अलावा मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें क्या कुछ खास होता है। तो वीडियो में आगे हम क्या क्या जानेंगे सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं मैं कि मोदी का जो इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो सबसे बड़ा है। पिछले तीन कार्यकालों की अगर बात करें तो 2014 में जहां मोदी कैबिनेट में 46 मंत्री थे तो वहीं 2019 में 58 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो वहीं 2024 में ये गठबंधन सरकार है तो इस सरकार के तहत जो मोदी 3.0 कैबिनेट है उसमें 72 मंत्रियों को इसमें जगह दी गई। तो ये अब तक का जो है मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। तो इस बार 72 मंत्रियों को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो मोदी मंत्रिमंडल में किन किन मंत्रियों को शामिल किया गया है ये तो हम बताएंगे ही, साथ में इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर मंत्रिपरिषद क्या होता है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री का कार्य आखिर होता क्या है और सबसे आखिर में जानेंगे कि मंत्रिपरिषद को केंद्रीय मंत्री को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद में आखिर कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें तीन तरह के मंत्री बनाए जाते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री होता है जो सबसे प्रमुख होता है, जो सबसे ताकतवर होता है। उसके बाद नंबर आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का और उसके बाद जो आखिरी में नंबर आता है वो राज्य मंत्री का होता है। इसके अलावा एक उपमंत्री भी होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उपमंत्री भी बनाया जाता है। तो ये जो तस्वीर है ये तीन तरह का जो मंत्री जो बनाए जाते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये होती है तस्वीर। अगर हम सबसे पहले बात कैबिनेट मंत्री की करें तो कैबिनेट मंत्री जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसे जो है ये जो विभाग इसको आवंटित किया होता है, जिस विभाग का कार्यभार ये संभालता है उसकी जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री के पास होती है और वो इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को करता है। कैबिनेट मंत्री के बाद दर्जा आता है राज्य मंत्री का, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी जो है वो कैबिनेट मंत्री की तरह ही होता है। ये भी जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो सीधे प्रधानमंत्री को करता है और उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बाद नंबर आता है राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करता है, यानी एक मंत्रालय में कई राज्य मंत्री होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को राज्य मंत्री बनाया गया है, जैसे स्वास्थ्य विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है या सड़क परिवहन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है, तो वो जो राज्य मंत्री होता है वो इस कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करता है, तो वो राज्य मंत्री होता है। और एक मंत्रालय में एक से ज़्यादा राज्य मंत्री भी हो सकते हैं। तो ये हमने बता दिया कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। अब ज़रा हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये जान लेते हैं कि आखिर इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, किस तरह की इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम थोड़ा अब जानते हैं। तो सबसे पहले बात अगर इनको मिलने वाली सुविधाओं की करें तो जैसे ही कोई सांसद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले लेता है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है या राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिल जाता है तो उसे दिल्ली में बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है और सहायक से लेकर अन्य तमाम तरह की सुविधाएँ उसे दी जाती है। उसके अलावा निजी सहायक भी उसे मिलता है। निजी सहायक ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ही हो, मंत्री जो है वो अपनी इच्छा से निजी सहायक नियुक्त कर सकता है।
इसके अलावा जो सुविधाएं उन्हें मिलती है उसकी अब बात कर लेते हैं। अब बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो एक कैबिनेट मंत्री को कितनी सैलरी मिलती है। कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1,00,000 रुपए की जो है वो बेसिक सैलरी मिलती है। सांसदों की तरह ही जो कैबिनेट मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री से पहले एक सांसद होता है, तो उसे भी उसके जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका भत्ता 70,000 रुपए मिलता है। उसके अलावा ऑफिस खर्च के लिए भी हर महीने 60,000 रुपए मिलते हैं, और सत्कार भत्ता सेंचुरी अलाउंस के रूप में भी जो है वो केंद्रीय मंत्री को जो है वो 2,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर मोटा मोटी इन सबको मिला के देखें, जो भत्ता मिलता है, जो बेसिक सैलरी है, उस सबको मिलाकर, अब इन तीनों में जो हमने बात की थी उन्हें किस किस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर फाइनल हर महीने मिलता है, तो हर महीने कैबिनेट मंत्री को जो है वो कुल 2,32,000 रुपए हर महीने मिलता है। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है उसे हर महीने 2,31,00,000 रुपए मिलते हैं, और राज्य मंत्री जो है उसे हर महीने 2,30,600 रुपए मिलते हैं। तो ये था कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सुविधाएं, क्या उसकी सैलरी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हमने जाना। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसका जो संविधान के किस अनुच्छेद में उसका जिक्र है। संविधान के 74 और 75 अनुच्छेद में केंद्रीय मंत्री परिषद का जिक्र होता है, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती है उसका जिक्र हमें संविधान के इस अनुच्छेद में मिलता है। और ये वो लोग होते हैं जो देश के लिए नीति नियम और कानून का निर्माण करते हैं। एक किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है राष्ट्रपति की साथ मिलकर, और मंत्रिमंडल में वो ये तय करता है कि किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, किसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा और किसे जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जो तस्वीर थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल है वो तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है, और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, कौन स्वतंत्र प्रभार बना है। उम्मीद है आपको ये सब जो जानकारी है ये सब इस वीडियो में हमने दी है वो आपको समझ आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।